बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हो, खैरियत से हो। मैं आज को एक गांव की पानी वाली टूटी के बारे में तफसील बताने जा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, ये चक लंबा 386 WB। व्यूअर्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, जो मैंने आपको बताया कि पानी के बारे में मालूमात देने जा रहा हूँ, ये जो नल का पानी आ रहा था ये 386 WB में है। इसके बारे में ये मालूमात देने जा रहा हूँ कि इसमें जो पानी आता है एक कुएं से दूसरे कुएं में आ जाता है, उसको दूसरे एक से दूसरे कुएं में डाल दिया जाता है, फिर दूसरे से तीसरे में ऐसे वो डालते हैं, फिर आगे घर में जाता है, क्योंकि उसको इस्तेमाल करते हैं ना, जब उससे नहाते हैं वो उससे ना एलर्जी हो जाती है जिस्म के ऊपर, क्योंकि उसकी सफाई नहीं करते, जो खूह बनाए हुए हैं छोटे छोटे वहाँ पे, उससे आगे फिर इधर आता है ना। उसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहले इस टूटी जब नई नई लगी थी ना, उस टाइम इसका तकरीबन कितने पैसे थे, 600 रुपया था तकरीबन। अब हो रहे हैं, फिर हो गए 1600 रुपये, उसके बाद अब 2000 हैं, क्योंकि टूटी ज़्यादा हो गई है और बिल भी ज़्यादा हो रहा है, काम होने की वजह ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं ये क्या हो रहा है, इसका कोई इससे पूछने वाला नहीं है ना कोई यहाँ पे, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसके लिए अलावा व्यूअर्स, मैं आपको ना गांव के रकबे जो हैं, जहाँ घास बीतते हैं लोगों के, मसलन दूर दूर घर होते हैं, नज़दीक कोई चीज़ नहीं होती। आप जहाँ भी जाओगे दूर दूर तक कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। देख सकते हैं एक घर यहाँ पे होगा, एक इससे बहुत दूर आगे ये देख लो इधर है, इतने वक्फे पे ये देख लो एक उधर है। शहर में जो लोग शहर में रहते हैं ना, वो गांव में नहीं रह सकते, जो गांव में रहते हैं वो शहर में नहीं रह सकते, क्योंकि शहर वालों को मसला होता है, गांव वाले वैसे भी वहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे तो दम ही बंद हो जाता है इंसान का। देख रहे हो ये गांव है, देख लो कितना हरा भरा है, खूबसूरत है। चाहे यहाँ पे मकान कच्चे हों, गरीब लोग रहते हैं, लेकिन हरियाली बहुत होती है, माहौल साफ होता है, दरख्त होते हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। आप कहीं भी जाओगे ना गांव में, मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे साया होता है ना, इसकी वजह से हरियाली होती है, खूबसूरती नज़र आती है। देख रहे हो ना आप, ये देखो खजूर लगा हुआ है, खजूर के दरख्त हैं, आम के दरख्त हैं, दूसरा ये देख लो कचनाल है, उसके साथ खजूर हैं, देख रहे हो आप। इसके अलावा देख लो सामने सूर्य ढलने वाला है। व्यूअर्स, ये देखें, आपका दिल खुश कर दूं, आपको हलाल माल दिखा दूं, जिसका गोश्त खाना हलाल है। ये देख लें गायें, उसके बच्चा वो छोटा खड़ा हुआ है, एक और गाय है।